यानी अब यहाँ कोई महाफिस नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामून अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानो को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबदे आमून में पनाह ले लेंगे, हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है अली जनाब? हाँ, बहुत अहम और खास। मुझे मेंफिस में कुछ जरूरी काम अंजाम देने हैं। आप फौरन तिब्स जाएं और यह नामा जनाब अख्नातून के खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही, नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बर्बाद हो गया जनाब रुदामुन, खुदाओं की कसम मैं मुकसर नहीं हूँ। मैं अब बानो जुलेखा से क्या परेशान मत हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे सजा देंगे। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है ना? क्या मसला है, यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक हमारे कसर में कभी चोरी नहीं हुई, आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो,
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत में अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। वावेला मत मचाओ, जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी ना अहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताद बानो, इताद। जल्दी करो, वो पूरी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानू को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानू अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी। बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किन का काम है, मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदमून, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने? तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो उन्हें माफ करे? अपने किए की माफी मांग लो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो हम इंतजार करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम उन आपको सलामत रखें। हम उन आपको सलामत रखें। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है तो कभी जर्रो जवाहरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल जब से शेख रनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बिचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजासीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो बदतरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है,
और जितनी ज्यादा मकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे उसी मुनासबत से अखनातून की जमीनों के मालकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी युजार सीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ व इनायत को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर, हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहे, आपका इकबाल बुलंद हो, सलामत रहिए बानों। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर युजासीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो सुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो सुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद जाएं भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ, यहाँ सब क्यों जमा है? आप कहा थी बानो, एक खादिम जिसने जेरे लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानू, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुलिका सेन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके युजासिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके, सो मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है, मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे।
पयाम्बर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोईयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब, तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है, तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे, हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ हद्दबाप किया जाता। जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती। और जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरिया बोझ कर दो, लोगों को कानों कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे, मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो, अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील और ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में नहायत खामोशी से सबकी सब दरिया बुर्द कर दो।